नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम नए नए प्रैक्टिस के अंदर आते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि किस चीज़ के लिए कौन से फॉर्म्स यूज होते हैं। आप भी जब नए नए प्रैक्टिस के अंदर आए होंगे तो आपको ये डिफिकल्टी महसूस हुई होगी कि किस चीज़ के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है, जैसे कि सिविल सर्टिफाइड फॉर्म, क्रिमिनल सर्टिफाइड फॉर्म, इंस्पेक्शन के लिए फॉर्म, ओपनिंग शीट्स, हाई कोर्ट के फॉर्म, इंस्पेक्शन के फॉर्म। ये बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को जब नए नए प्रैक्टिस में आते हैं हमें नहीं पता होते। तो आज का है मेरा वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए ही है जिन्हें फॉर्म्स से रिलेटेड थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन कौन सा फॉर्म कैसे होता है और उसको कैसे कैसे उसके अंदर क्या चीज़ होती है, कैसे भरते हैं। आप उसको खुद भी टाइप कर सकते हैं, फॉर्म को टाइप करवा सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। तो यही मेरा आज का वीडियो है। अब ये हालांकि ये बहुत बेसिक वीडियो है, जो भी जिनको 2-3 साल प्रैक्टिस पे हो जाएंगे उनके लिए वीडियो इतना नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियोस जो होते हैं बिल्कुल यंग भाई बहनों के लिए होते हैं। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि जिसको कहीं से कोई गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिल रही तो मेरे वीडियो देख के उनको वो गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए। लेकिन इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए भरने पड़ते हैं। अब देखिए, दो फॉर्म्स तो एक बेल बॉन्ड जो होता है वो कैसे भरते हैं और एक वकालतनामा, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी को वो देखना है तो वो मेरा अलग से वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको अलग अलग जो भी मैक्सिमम मैं फॉर्म्स जो होते हैं हमारे प्रैक्टिस में यूज वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। अब उनको भरना आसान ही होता है, आप देखेंगे उनको तो फिल कर लेंगे इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा। अगर उस पर मेरे को ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उस पर स्पेसिफिकली फॉर्म पर वीडियो बना दूंगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फॉर्म्स हैं और बताता हूँ उनके बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करें। ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म। ये जब भी आप कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म पहले लगाना पड़ेगा। ये है सिविल सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म। जब भी कोई आप सिविल केस के अंदर सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको यही वाला फॉर्म जो है वो भर के देना होगा। ये है क्रिमिनल केस के लिए सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म। जब किसी क्रिमिनल केस के अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आपको यही वाला फॉर्म भरना होगा। ये सिविल केसेस में अपील के लिए फॉर्म है। जब भी आप कोई सिविल केस के अंदर अपील फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा अपील से पहले। ये है केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट। आप कोई भी केस फाइल करें सिविल या क्रिमिनल, आपको ये केस इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट का फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पार्टी इन्फॉर्मेशन है। जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोई भी केस फाइल करेंगे तो अगर एक्स्ट्रा पार्टी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको उसी फॉर्म के साथ आपको देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस फी फॉर्म है। ये आपको जब भी दूसरी पार्टी को सर्विस करवानी है तो वो आपको चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, आपको ये प्रोसेस फी फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ये फॉर्म हम आपको जब आप हाई कोर्ट के अंदर किसी ऑर्डर की सिविल ऑर्डर के अपील डालोगे तो उस केस में आपको ये अपील से पहले लगाना पड़ेगा। ये है फॉर्म इंस्पेक्शन का। अगर आप हाई कोर्ट में कोई फाइल इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये इंस्पेक्शन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म कोई भी आप केस डालें हाई कोर्ट में कोई भी, तो आपको ये वाला फॉर्म सबसे फर्स्ट में ये फॉर्म भर के लगाना ही होगा। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। ये फॉर्म्स की लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक मैंने आपको बता दिए जो अमन आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आप प्रैक्टिस में आपको काम आएंगे, यही वो फॉर्म्स होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।